तो स्वागत है आपका जारिका जायका किचन में। राजमे बनाऊंगी मच्छी फ्राई, तो आप भी वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करती हूँ बिस्मिल्लाह करके। वो सबसे पहले मच्छी में थोड़ा सा नींबू को, एक छोटा सा नींबू, ज़्यादा नहीं डालना है, इस तरह से निचोड़ के ऐड कर दूँगी। अब इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चम्मच है। नमक डालिएगा स्वाद अनुसार। उसके साथ साथ ऐड कर दूंगी मिर्ची का पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, एक छोटा चम्मच ही डाल रही हूँ। और अब इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह, इस तरह से हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मैरिनेट कर लीजिए मच्छी को, फिश को। और इसको 1 घंटा के लिए रेस्ट में दे दूंगी, और जब फ्राई करूंगी तो आपको दिखाऊंगी फिर मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिश मैरिनेट हो गई है। 1 घंटा इसको मैरिनेट करने के लिए रखी थी, और आप चाहे तो इसको 10-15 मिनट भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ तेल को अच्छी तरह गरम कर लीजिएगा ताकि फिश जाके चिपके नहीं तेल में तवे पे। तो इस तरह से तेल गरम होने के बाद हल्के हाथों से फिश को ऐड कर लीजिएगा धीरे धीरे करके। हाँ, धीमी आंच में ही फिश को फ्राई करिएगा। तो एक तरफ फिश फ्राई हो गई है, इसको टर्न कर लेती हूँ, पलटी कर लेती हूँ। और बिल्कुल हल्के हाथों से करिएगा, माशाल्लाह। देखिए फिश कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। देखिए हमारा फिश फ्राई हो गया है। अब इसको हल्के हाथ से निकाल लीजिए, प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह देखिए फिश फ्राई हो गया है। आपको अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। तो चलिए दोस्तों विदा लेती हूँ। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम नेमतों से नवाज़े। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।